घर को लौटेंगे क्योंकि वर्क तो है नहीं यहाँ पर, बिना वजह के फोपट हो गया। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे अभी 5 और आप देख सकते हैं कि मिजाज किस तरह से अपनाया हुआ है मौसम, और कल से लगातार बारिश हो रहा है। जैसे ही मैं घर से निकल रहा हूँ, निकलने में नहीं बन रहा है, पूरा पैर में जो है मिट्टी लग जा रहा है। तो चलिए मैं बाहर का कुछ सीन दिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे। हाय हाय रे मौसम। अब देख सकते हैं कि जब मैं चलने का कोशिश कर रहा हूँ, जब पैर में मिट्टी लग जा रहा है, मैं चलूँगा पैर में मिट्टी पकड़े ऐसे। पानी जमा हुआ साइड में, आप देख सकते हैं नीचे। तो गाइस, मुझे इवन जल्द से जल्द निकलना पड़ा, जल्दीबाजी में ये हो गया। मैं घर पर नहीं बता पाया कि मुझे जाना है। सो मुझे जाना है अभी मिस्त्री को लाने के लिए, क्योंकि उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ आ रहा है। तो चलना ज़रूरी है, उसको लाना ज़रूरी है, नहीं तो मेरा वर्क नहीं हो पाएगा और बारिश जो है हमने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं विक्रम और फिर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं विक्रम में आ चुका हूं और यही वो शॉप है जो यहां से मुझे सामान ले जाना है। बट कहीं शायद साइट पर गए हुए हैं कि क्या है, कितना टाइम लगता है यहां पर, तो देखते हैं, वेट करते हैं। वेट करने के बाद फिर यहां से निकलेंगे और घर को देख सकते हैं कि वो आइसक्रीम फैक्ट्री है। आइसक्रीम लोड हो रहा है, वहाँ पर बर्फ़ लोड हो रहा है। हम तो नहीं, अभी बात नहीं हो पाया, बट मिल नहीं पाए। बात हो पाया है बट मिल नहीं पाए। वो टाइम ले रहे हैं कि 2 बजे तक आएंगे, तो देखते हैं। और वैसे भी तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं घर पर और चलते हैं अंदर। ओ ओ ओ, इसका नाम है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अरे अरे अरे, तो गाइस अभी कुछ सब्सक्राइबर हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। सो जाना पड़ेगा मुझे नवतुर मार्केट। तो चलते देखते हैं कि सब्सक्राइबर आए हुए हैं, भाई मिलना ज़रूरी है ना। चलिए चलते हैं, मिलते हैं उनसे। यही वो प्लेस है जहाँ पर हमको बुलाया गया था कि यहीं पर हम लोग हैं, आइए और हमको मीटअप करना है। तो अभी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आज हमारा तो फोपट ही हो गया, आया हुआ सारा बेकार। फिर भी चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर घर को लौटेंगे, क्योंकि वर्क तो है नहीं यहाँ पर, बिना वजह के फोपट हो गया। ये बहुत ही अभद्र मजाक था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी है, पता नहीं, एक नंबर से कॉल आया कि मीटअप के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो आप आइए। तो चलिए चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद घर मिले। और आप देख सकते हैं कि ये सूर्य मंदिर है, बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पर तालाब है, मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ पर जा करके शूट करके दिखाऊंगा आप सबको। सो गाइस, हम अभी इस समय खड़े हैं एक रेस्टोरेंट के सामने और इसमें हम खाना खाएंगे, और इस रेस्टोरेंट का नाम है मुखिया जी के भोज भात। तो चलिए खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं मुखिया जी के भोज भात, रेस्टोरेंट नाम है। तो अब यहाँ पर हम खाना खाएंगे और उसके बाद सीधा निकलेंगे तालाब पर, क्योंकि आज दिन भर कल से मैं तालाब पर नहीं गया हूँ। तो चलिए खाने के बाद मिलते हैं। और गाइस, जस्ट अभी कॉल आया है घर से कि मिस्त्री आ चुका है, वो खिड़की जो लगाना वाला था, वो वर्क था खिड़की वाला,
तो वहाँ मिस्त्री पहुँच गया है, बट मैं यहाँ हूँ, तो खाने के बाद सीधा मैं वहाँ जाऊँगा। तो जाना क्या है, अभी विपिन जी के साथ में, विपिन जी भी आ गए हैं, मैं आपको पहले भी मिलवा चुका हूँ, और ठीक है तो हम आ चुके हैं, अब हम दोनों खाना खाएंगे, उसके बाद सीधा अपने अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और तो गाइस, धूप में जब मैं शूट करता हूँ तो हमको बहुत परेशानी होता है, आँख जो है ना बंद हो जाता है। लोग कमेंट भी, कुछ लोग बोलता है कि आप हमेशा धूप में ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा चश्मा उस्मा लगा लीजिए ताकि आपको बाहर नहीं पड़े आँख पर। तो मैं सोच ही रहा था, बट ये चश्मा मेरा नहीं है, देखिए यहाँ पर उठा हुआ है, ये मेरा सेट भी नहीं होता है। इतना ही बड़ा चश्मा मैं लूँगा, और कुछ मुझे प्रॉब्लम भी है, जैसे मैं ब्रीडिंग करता हूँ ना तो आँखों में भार पड़ता है और आँसू पानी आ जाता है, तो मुझे चेकअप करवाना है। चेकअप करवाने के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट होगा उस टाइप को हमको चश्मा लेना है, हमको फैंसी चश्मा नहीं लेना है, हमको दिखाना नहीं है, है ना। तो चलिए अभी हमारे साथ बने रहिए, खाना अभी आ ही रहा है, अभी तैयारी हो रहा है, टाइम देना पड़ता है भाई रेस्टोरेंट में। गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। हेलो बोलिए कुछ, हेलो बाय बाय। हेलो हेलो, ये विपिन सर हैं, उनको इनसे आपको हम बहुत पहले ही मिलवा चुके हैं, और मास्टरमाइंड तो है ही, बहुत बड़े किसान भी हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है, परेशानी होता है तो मैं इन्हीं के पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पर खाना हो गया है, और अब चलते हैं घर पर मिलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर, और तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। कहाँ घर हो तो लोग, क्या हो तो लोग के घर कहाँ हुआ? घर तो दुल्हन बाजार से नहीं पकड़ा है। आप देख सकते हैं कि आर्या अभी इस समय गेम खेल रहा है, खाना वाना खा लिया है, होमवर्क भी बना लिया है, और हम सब खाना खा लिए हैं, और इस समय रात के बज रहे हैं 10। तो मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्लॉग को एंड ही कर दूँ भाई, क्योंकि अब तो टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards in the scammers, getting the licks in the band, legacies.